हमारा आज पहल भाराण में यार ब्लॉग, ये क्या मजे ले रहा मेरे से इधर आ रहे तू? मैंने सोचा सांप वाप आ गया कहीं है। कल पलखाल में भी मस्त लग रहा है लाइट, तो जो सबसे ताल से ना तो एक बोल दी सारी तरह लेके जा रहा हूँ ककड़ी के लिए। गाइस कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे, आप एकदम से मस्त है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाल एंड फैमिली में और साथ में ईड़ा गाँव के इन खूबसूरत वादियों में। तो अभी बज गए शाम के 6:30 और हम लोग, मैं अमन और सार्थक आ रखे हैं नीचे, ठुलपुंगड़ बोलते हैं यहाँ को। यहाँ से कुछ झाड़ी ताड़ी लेने आ रखे हैं, ठंगरी लेने आए हैं, मतलब कि जो ककड़ी वगैरह की बेल पर लगाई जाती है। तो यहाँ पर खेत में ना क्योंकि तार पर वो टकरा रहा था, इस वजह से हम यही लेने आए हैं। और अभी आसमान का हाल दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा हो रखा है और हवा बड़ी मस्त चल रही है। दोस्तों आपका मिक ब्लॉग आने वाला है क्वादा के मोमोज का। क्वादा के मोमोज का कौन बना रहा? तेरी मम्मी है? कह रहा मेरी मम्मी क्वादा के मोमोज बनाएगी। नहीं तो तेरी मम्मी बनाएगी, आप बनाओगे ना? आज मिलवा जरा तुम तो अपर गाँव पल सार ठीक ताल ठुल पुंगड़ पे जय कही दिखो ला उन तभी अपर काम से आई सुनाया छीमी खुड़ वो लियाना खुड़ा झाड़ा लियाना खुण छीम का है ना, छीम भी खानी या ककड़ी भी खानी ना, तो मैं लादर ठंगेर भी ली जाओ लाया बेटी और ककड़ी इंतजाम कर दूल किला कि सितंबर अक्टूबर में ककड़ी भी खानी तो वह एक इंतजाम। और अब तो अभी मित अगड़ी और दुई महारथी भी आया थी अमन जुयाल और सार्थक। अमन आज पहल भाराण में यार ब्लॉग में किला कि आज बड़ी मुश्किल लो मिधा मील च किला कि वो दिन मिनियान भैर और शाम वगत टाइम नहीं लगो दो था भी और मिथा भी इला आज हम दुई या तीन आए हैं आज हम और आज आकर ब्लॉग बनो बिल्कुल गड़बड़ी। अब देखो चुम सार्थक था कुछ गड़ल आंच कि ना आंच रहती है हैं? यू दियो था कहता गड़ल अमन तेरे को आती है हैं? ये यो दियो अवे मर्जी समझो मान दो पर बोल नहीं आए है ना, ये भी ऐसी है आती है रे तेरे को बोल हैं? यहाँ पे अभी हमने एक छोटा सा पेड़ काटा है क्योंकि ना ऊपर बिजली की तार पे लग रहा था तो उससे काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है क्योंकि करंट वरंट का है हाँ मतलब तो ऊपर तार पे बिजली के तार पे लग रहे थे तो इस वजह से हमने वो काट दिया और उसकी जगह 10 पेड़ और लगा दिए क्योंकि लोग कमेंट करेंगे कि पेड़ काटना बुरी बात है, वो मुझे भी पता है बट क्योंकि वो बिजली के तार पे लग रहे थे इस वजह से हमने काट दिया। उसकी जगह हमने घर के आसपास ना 4-5 पेड़ लगा रखे तो आप लोग टेंशन ना ले। अभी यहाँ से मैं दिखाता हूँ पूरा ऊपर का नज़ारा, कभी वहाँ से लेकर ऊपर दीवा से लेकर और वो नीचे बोलते हैं सारी तिरौली। तो थोड़ा बहुत मैंने वैसे बोला था कि गढ़वाली में बोलूँगा बट कुछ लोग हैं जो गढ़वाली नहीं समझते तो इस वजह से कहीं कहीं पे हिंदी बोल रहा हूँ। तो वो जो सबसे ताल से ना तो वे कौन बोलती सारी तिरौली रियोज ठुल पुंगड़ इन्हें अब वो जो उन्हें गहरा तरफ व्याकुट वाली ये क्या मजे ले रहा मेरे से इधर आ रहे तू? मैंने सोचा सांप वाँप आ गया कहीं है, ये बड़ा मजे ले रहा है। तो गाइस अभी इन लोगों को भी कुछ ही दिन रहते हैं यहाँ पे, इन्होंने भी बहुत ऐस कर लिया, 1 महीना हो गया दोनों को, महीना होने वाला है इस बार, बहुत मजे किए इसने। आज इसकी मम्मी क्या ला रही है? अगर समोसे ना है ना तो मैं तेरा समोसा बना दूंगा तेरे मम्मी से हैं। और बहनों तो अभी सार तक कह रहा है कि उसे पता नहीं कौन याद कर रहा, उसको ना भटली लग रही है, भटली कौन याद कर रहा था तेरे को है कोई याद करने वाला है? अब बताना पड़ेगा तेरे को नहीं तो लोग शक कर लेंगे किसके बारे में बोल रहा, कौन याद कर रहा है? मैं क्या जानता? बता भाई मैं क्या जानता? नहीं जानता होगा कोई तेरे को। शाम का मौसम हो रखा है बड़ा मस्त मस्त, आसमान में लगे बादल और मस्त सी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और अभी पता नहीं चल रहा कि दिन में ऐसे गर्मी हो रही थी क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है। ये देखो क्या पेड़ मतलब मस्त से चल रहे। ये वाला जो खेत है ये उर्मिला दीदी इनका है, तो दीदी आपको दिखाने के लिए भाई कि आपका खेत भी हमारे खेत की तरह हो गया। यहाँ पे कई ताई जी और उर्मिला दीदी और खूब काम करते थे, अगीठी चलती थी 2-2.5 बजे तक। तो गाइस अभी मैंने ये छोटा सा जो सूखा हुआ पेड़ था ये काट लिया है और ये मैं लेके जा रहा हूँ ककड़ी के लिए। तो अभी चलते हैं सीधे घर, वो दोनों तो भाग गए आगे, तो हम भी चलते हैं।
तो गाइज अभी शाम के 7:30 हो चुका है और अभी अंधेरा भी होने वाला है और अभी मौसम ना एकदम से चेंज हो गया है, ऊपर बारिश वाला मौसम, पूरे बादल लगे हुए हैं, तो कल सुबह तक शायद बारिश आ जाएगी। और सामने ही हमारा सौर ऊर्जा भी जल गया, आजकल पलखाल में भी मस्त लग रहा है लाइटिंग। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।